हेलो भाइयो, होप तुम लोगों का सब ठीक चल रहा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं अभी अभी कॉलेज से लौटा हूँ, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था और मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि बजट में डाइट और सप्लीमेंट ये सब मैनेज कैसे करते हैं। वो एक हॉस्टल का स्टूडेंट है और उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाऊँ। मुझे पता है कि एक फिक्स्ड बजट होने का क्या स्ट्रगल रहता है और मैंने बहुत लोगों से इंस्टाग्राम पे भी सुना है कि वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं और उनको एक अच्छी फिजिक बनाने की पैशन और आग रहती है, पर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से उनको थोड़ी सी स्ट्रगल और तकलीफ होती है। मैं आप लोगों को 1000 रुपीज़ के बजट के अंदर टॉप 3 सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इन 3 सप्लीमेंट्स को छोड़ के आपको और किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कंपनीज और ब्रांड्स क्या करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको सप्लीमेंट्स के बारे में ज्यादा साइंटिफिक जानकारी नहीं रहती, और वो बेकार में इन लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि BCAAs एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो बजट लाइफस्टाइल पे है, तो एक बजट में BCAAs की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। तो मैं आप लोगों को 3 सप्लीमेंट बताने वाला हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है, और उसमें से पहला सप्लीमेंट है ये है वे प्रोटीन। इससे बेहतर प्रोटीन इंटेक के लिए कुछ नहीं रहता, तो ये एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता प्रोटीन सोर्स है। ये पूरा पैकेट मुझे अमेजोन पे करीब 800 रुपये के लिए पड़ा, और ये इसमें कितने सर्विंग्स, इसमें 33 सर्विंग्स है, मतलब ये एक पूरे महीने के लिए चलेगा। और एक स्कूप में रहता है 24 ग्राम्स प्रोटीन, तो आपका जो पोस्ट वर्कआउट शेक रहता है उसमें आप एक स्कूप डाल के पी सकते हो। अभी इसके फायदे क्या है, ये एक तो बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है प्रोटीन का, और सोचो अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है और अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप कितने पैसे चिकन या पनीर खाने में वेस्ट करोगे, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। और ये बहुत ही सस्ता सोर्स है, मैंने बहुत ब्रांड्स ट्राई किए हैं पर ये बहुत ही सस्ता था और इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ। ये मेरा सेकंड पैकेट है, अभी पहला ख़त्म हो गया लास्ट मंथ। तो ये जो प्रोटीन पाउडर है ये अनफ्लेवर्ड है, ये भी आपको एक चीज़ बतानी थी। अगर आप फ्लेवर्ड प्रोटीन लोगे जैसे चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लोगे तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जो मेरे ओपिनियन में वर्थ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं अनफ्लेवर्ड प्रोटीन दूध में मिलाता हूँ और उसमें 2 चम्मच बोनवीटा डालता हूँ, और उससे वही सेम चॉकलेट फ्लेवर का टेस्ट आ जाता है। इसको आप दूध या पानी में ले सकते हो, आपके कैलोरी इंटेक पे डिपेंड करता है। तो एंड में आपको सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये 800 रुपये बहुत ज़्यादा रहता है, पर वैसे बॉडी बिल्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और आपको थोड़े से सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ेंगे। मे बी आप दोस्तों के साथ थोड़ा कम बाहर जाओ, कम बाहर खाना खाओ, या अल्कोहल पे, कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं तो वो थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वो जो पैसे आप बचाओगे वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये ब्रांड का नाम साइन्यू न्यूट्रिशन है। ये भी मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, बस बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। किधर गए वो डब्बे, ये देखो, मैंने आई थिंक 5-6 डब्बे ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, सेफ ब्रांड है, बिल्कुल ऑथेंटिक सप्लीमेंट है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इसे। क्रिएटिन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वो अगर आपको देखना है तो मैं नीचे डाल देता हूँ। उसमें मैंने क्रिएटिन का जो पूरा साइंस है, कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हो। लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पड़ा मुझे, ये पूरा जो डब्बा है वो 300 या 350 रुपए का पड़ा, और इसमें है 60 सर्विंग्स, तो एक स्कूप रोज लेना है और ये 2 महीने के लिए चलेगा। तो सोचो अगर आपने रोज एक स्कूप लिया तो आपके जेब में से सिर्फ 200 रुपये जा रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया और सबसे सस्ता सप्लीमेंट है ये। तो तीसरा सप्लीमेंट जो है वो मैं नहीं बोलूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट और नेसेसरी है, पर बहुत लोग प्री वर्कआउट्स में पैसे वेस्ट करते हैं। इसकी जगह इधर आओ, ये क्या है, ये है कॉफी, स्टैंडर्ड कॉफी जो मैंने मोहन सुपरमार्केट से खरीदा था, इधर मेरे घर के पास में है। ये पैकेट, एक पैकेट 10 रुपए का रहता है। अगर आप प्री वर्कआउट लोगे तो बेकार में आप 1500 रुपए या 2000 रुपए बेकार में वेस्ट करोगे,
और मैं नहीं बोलूंगा कि ये नेसेसरी है, एक और बार, इससे सिर्फ आपका जो जिम में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और अगर आप ऐसे टाइप के पर्सन हो जो ऑफिस के बाद जिम जाते हो या कॉलेज आपका शाम में रहता है, तो अगर आप तब थके हुए रहते हो तो आप थोड़ी सी कॉफ़ी पी के जा सकते हो जिम। तो ये है मेरे टॉप 3 सप्लीमेंट जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। इन तीनों सप्लीमेंट्स को मिला के जो मंथली कॉस्ट आता है वो आता है लगभग 1000 रुपये, जो मैं मुझे लगता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा अगर आप सैक्रिफाइसेस करोगे, कैसे भी करके पैसे बचाओगे अपनी हॉबी के लिए, तो आप ये खरीद सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो सप्लीमेंट्स के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमेशा पहले आपके डाइट पे फोकस करो, आपका डाइट क्लीन करने की कोशिश करो, और जो भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उस सब के बारे में थोड़ा सा सीखो और पहले अपनी डाइट पे फोकस करो। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बजट डाइट का एक वीडियो बना सकता हूँ, तो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जाके बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जाके दबाइए, और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं करोगे। और मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ी बढ़े। और कोई भी दोस्त है जो कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में रहता है, जिसको डाइट और सप्लीमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी भेज सकते हो। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।